में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू का पराठा। उसके लिए मैंने आलू उबाल ली है और इसमें धनिया पत्ता काट के डाली है, छोटे छोटे बारीक में पीसे में लहसुन डाली है और हरी मिर्च डाली है, और इसमें मैं डालने वाली हूँ अजवाइन और नमक। इस तरीके से आप आलू का पराठा बनाएंगे ना गाइस, तो बहुत टेस्टी लगता है। हमारे यूपी में ऐसे ही आलू का पराठा बनता है। इसमें स्वाद के अनुसार मैं नमक डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से इस तरह से स्टफिंग को मैश कर लेंगे। और मैंने आटा लगा लिया पहले से, तो उसे मैं स्टफिंग को भर के आपको पराठे बनाते समय भी दिखाऊंगी। गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। और आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा कैसा बना। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। गाइज, मैंने तवा चढ़ा दिया है चूल्हे पे। ये देखिए, ऐसे में धनिया बना ली हूँ और इसके जो स्टफिंग है इसे ऐसे करके इसमें फिलअप करेंगे और इस तरह से कर देंगे, और इस तरह से ऐसे 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 कर देंगे। गाइज देखिए, वही पिक्सल को, और देखिए इसको बेलेंगे इस तरह से करके। देखिए आप जिस साइज का बनाना चाहेंगे ना गाइस, जो साइज का बना सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वाला आलू का पराठा आप बनाएंगे ना, बहुत यम्मी लगता है। सिर्फ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ा है। देखिए गाइस, इसे मैं इसे तावे पे डालूँगी और इसे सीख रहा है। इसके बाद सीखने के बाद इसे पलटेंगे। देखिए गाइस, मेरा वो सीख रहा है, इसको पलट देंगे इसको इस तरह से। अब इस दूसरा भी मैं इस तरह से, इसी तरह सारे पराठों को हम बना लेंगे इस तरह से फिलअप करके। देखिए इस तरह से ऐसे ऐसे करके, और इसे ऐसे आटा सूखा लगा के इस तरह से करके इस तरह से। आप चाहें तो ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे बेलेंगे। इससे क्या है, मैंने रिफाइन ऑयल ले लिया है। देखिए यहाँ पर, और मैं आप बटर, शुद्ध घी, रिफाइंड सरसों तेल, आपको जो प्रिफर करते हैं आप उसे आप लगा सकते हैं इस तरह से। और इसे अच्छी तरह से सीखेंगे। तब तक मैं इसे दूसरा पराठा को भी बेल देती हूँ उसी तरह से। सारे पराठों को उसी तरह से बनाएंगे गाइस। ये बहुत यम्मी लगते हैं। इसे आप तीखी चटनी के साथ खाइए, इसे आप मीठी चटनी के साथ खाइए, सॉस के साथ खाइए, दही के साथ खाइए। आप जिस चीज़ के साथ प्रीफर करते हैं, चीज़ के साथ आप खा सकते हैं गाइस। इसमें ये नहीं है, चाय के साथ करते हैं तो चाय के साथ खाइए। हमारे घर में कुछ लोग चटनी के साथ खाते हैं, कुछ लोग दही के साथ, कुछ लोग इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से इसको सेक लेंगे। देखिए गाइस, मेरा आलू का पराठा इसमें कितना सुंदर इसमें आया है, छीटे आए हैं देखिए ब्राउन ब्राउन से। अब ये हो गया है, इसको हम निकाल ऐसे, और दूसरा वाला पराठा को भी ठीक उसी तरह से डाल देंगे और इसको सिकने देंगे, इसके बाद पलटेंगे। देखिए गाइस, मैंने इसको पलट दिया है, अब ये सिक गया। अब मैं इसमें रिफाइन ऑयल लगाऊंगी। आप शुद्ध घी, बटर, सरसों तेल जो प्रिफर करते हैं आप इसमें लगाइए। इसमें कोई नहीं कि आप रिफाइन ऑयल ही लगाएंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से सीख रहा है, पलट पलट के से सीखेंगे मीडियम और हाई फ्लेम पे इस तरह से। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ रहा है ना, ब्राउन ब्राउन। पराठे तो कई तरह से खाए होंगे आप लोग गाइस, पर इस तरह से आपने शायद ही खाया होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके की है और इसे आप झटपट बना सकते हैं। सिर्फ वो आलू को बॉयल करना है, कच्ची चीज़ें डालनी है। बहुत लोग मसाले वगैरह डाल देते हैं, उसका स्वाद अलग आता है, पर ये पराठे की स्वाद ही अलग आती है गाइस। और सर्दियों में इसे बनाइए तो इसमें जो हरी वाली लहसुन है वो डाल दीजिए, वाओ यम्मी हो जाता है। इसमें लहसुन, हमें लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें लहसुन ज़्यादा डाली है गाइस। आप जितना लहसुन खाते हैं उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। देखिए ये भी पराठा हमारा सीख गया है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप किसी भी कंट्री में रहते हैं ट्राई ज़रूर करिएगा।
और हमारा अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, नहीं तो आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा। देखिए पूरी पराठा हमारा बन गया, अब मैं इसे भी प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से हमारे पराठे बन के आए हैं। देखिए गाइज, मैंने इसे टमाटर की मीठी चटनी गुड़वा ली है और आम और हरी धनिया लहसुन मिर्च से मैंने इसको ग्राइंडर में पीस दिया है चटनी, इसके साथ हम लोग खाने वाले हैं। ये वाली जो टमाटर की मीठी चटनी है इसे मैंने साथ में डाली है, उसे आप देख जाकर देखिए और हमारे वीडियो को साथ में भी लाइक सब्सक्राइब करिए और इस पर भी करिए गाइज। तो देखिए इस तरह से हमारा पराठा बन गया है और इस तरह से देखिए इसे तोड़ के इस तरह से खाएंगे। देखिए यमी लग रहा है, इस तरह से आप खाइए। वाह, बहुत ही यमी लग रहा है, इसे मैं अब खाने वाली हूँ गाइस। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।